90 के दशक में एक ऐसा नेता जिसका बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी, जिसका आदेश लालू राबड़ी का आदेश था। जी हां, साधु यादव, जो राबड़ी देवी के भाई थे, लालू प्रसाद यादव के साले, उनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये वही साधु यादव हैं जिनकी कभी बिहार की सियासत में तूती बोलती थी, जिनका आदेश लालू राबड़ी का आदेश माना जाता था। लेकिन जैसे ही लालू यादव और राबड़ी देवी ने साधु यादव से दूरी बनाई, वो राजनीति में अर्श से फर्श पर आ गए। क्योंकि कहा जाता है कि लालू यादव के शासनकाल में जितना कुछ भी गलत हुआ था, उसके पीछे कहीं ना कहीं साधु यादव जिम्मेदार थे, और साधु यादव ने कहीं ना कहीं उस जंगल राज के परसेप्शन को क्रिएट करवाया, क्योंकि कई कांडों में वो शामिल रहे थे जिसने आरजेडी के 90 के दशक के शासनकाल को कहीं ना कहीं एक काले धब्बे के रूप में जो है स्थापित किया। अब साधु यादव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल के कैद की सजा सुनाई है। ये वही साधु यादव है जिनकी लालू राबड़ी राज में तूती बोलती थी। लालू के बिहार की सत्ता से बाहर जाने के बाद साधु के साथ बहन व जीजा के साथ रिश्ते बिगड़ गए, तो राजनीति में अर्श से फर्श पर आ गए। आपको बता दें कि हालिया दिनों में जो है साधु यादव तब चर्चा में आए थे जब तेजस्वी यादव ने रचिल से शादी की थी, और साधु यादव ने एक विवादित बयान दिया था, कहा था कि जब तेजस्वी यादव बिहार आएंगे पटना एयरपोर्ट पर उनको जूता का माला पहनाया जाएगा। और उसके बाद आपको तमाम इंटरव्यू याद होंगे जहां पर वो तेज प्रताप यादव पर व्यक्तिगत अटैक किया था, तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत अटैक किया था, और ये कहा था कि राबड़ी देवी का भाई जगदानंद सिंह है, मैं नहीं हूं। उस वक्त साधु यादव जो है वो अचानक चर्चा में आए थे और कहा था कि हम लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को उनकी हैसियत बता देंगे। हालांकि उसके बाद साधु यादव ने कोई बयान नहीं दिया। उस वक्त तेज प्रताप यादव भी काफी जो है गर्म हो गए थे साधु यादव के ऊपर, कहा था कि जब बिहार आएंगे तो गर्दा छुड़ा देंगे। हालांकि उसके बाद जो है पूरा मामला संभाल लिया गया था। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है कि साधु यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई खास अपडेट नहीं आया है कि आखिर किस मामले में उनको सजा हुई है। ऐसे साधु यादव के नाम पर कई केस दर्ज हैं, कई ऐसे कांड के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन अभी तक खबर इतनी है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साधु को लालू यादव ने विधान परिषद सदस्य व विधायक बनाया, यानी एमएलसी और विधायक बनाया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में साधु यादव गोपालगंज सीट से आरजेडी के सांसद भी बने। लालू ने अपने दूसरे साले सुभाष यादव को भी राजनीति में आगे बढ़ाया। लालू के दोनों सालों साधु व सुभाष की जोड़ी की धाक पूरे बिहार में थी। तो साधु यादव का एक वक्त था जब 90 का दशक था, बिहार की सियासत में उनकी तूती बोलती थी, पूरे बिहार में साधु यादव की धाक थी। लेकिन जैसे ही उनके रिश्ते अपनी बहन और जीजा से खराब हुए, साधु यादव जो है वो अर्श से फर्श पर आ गए। इस वक्त उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर कि साधु यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने बकायदा 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इसको लेकर जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा कि आखिर किस मामले में सजा सुनाई गई है, तो हम उससे आपको इतला करेंगे। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।